देखिए आजम खान साहब तो मैंने बार बार बोला था, पर मेरे बात से आप उनके नाम से मत बोलिए, लेकिन मैं अपने दिल से जो लोगों को जो कहना है वो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। आजम साहब की आदत है हर बात पे विरोध करने का, तो यही आदत है, आदत से मत बोलिए। मैंने कल भी कहा था कि उनको दूसरों से मतलब नहीं है, वो अपने राजनीति से के रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओवैसी जो है कि वो कभी भी किसी बात पर कोई मतलब सीधे जवाब नहीं देते हैं, वो हमेशा जहर उगलते हैं। तो आज देश के लिए इतने अच्छे बिल लाने पर भी वो अगर खुश नहीं है, और एक मतलब हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को जनता की आवाज़ सुनाने के लिए हम लोगों को मौका देते हैं, लेकिन ऐसे बिल फाड़ने के लिए या उनके अपने राय एक देश को जो चाहिए, ऐसे जो लोग अगर अच्छे जवाब देते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब तो कभी ऐसा करते हैं। एनआरसी को लेकर बड़े बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक आधार में बंटवारा है, आप क्या मानते हो? मैं तो अपने मुझे मोदी जी से पूरे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों के लिए और देश की रक्षा के लिए काम किए और इसको जो आज इस कदम उठाया है तो अच्छे के लिए ही उठाया। और देखो विरोधी वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन विरोधी वाले तो कश्मीर को भी जब 370 के जो बिल लागू कर रहे थे तभी विरोध किया था। इस ऐसे ही ये वो ऐसे भी उन्होंने भी वो समय पे वो राजी नहीं थे और कांग्रेस भी राजी नहीं थे, लेकिन पारित होने के बाद जनता तो खुश है ना। अच्छा मैडम, हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी इन सब लोगों को कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है और मुस्लिम को कहीं ना कहीं इसमें बैन किया गया है, तो क्या मानते हो कि धार्मिक है कि नहीं है कि बंटवारा है? देखिए मैं तो ये नहीं मानती हूँ कि मुसलमान भाई भी हमारे इस देश के अंग हैं, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे मतलब उनको अलग करके इसको बिल पार करना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।